है कि उनको ऐसी स्थिति पड़ता है कि वो घर में भी रहे और काम भी करे, आय का स्रोत भी हो जाए, सेवा भी हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ड्यूटी पूरी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम आशा होकर के भी बड़े निराश है। सरकार की तरफ से हमें मिलते हैं मात्र 3,000 रुपये। किस तरह से, किन शर्तों पर? उसके पीछे बहुत सारी शर्तें हैं। अगर हम घर घर जा कर के बच्चों की देखभाल करते हैं, घर घर जा कर के उन बच्चों का टीकाकरण करवाते हैं, घर घर जा कर के उन महिलाओं को परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में समझाते हैं, घर घर जा कर के उनको साफ सफाई के बारे में बताते हैं, जब उन सबको हम ये सारी चीज़ें बताते हैं और हमारे को कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जब हमारे वो पॉइंट पूरे हो जाते हैं तो उसके बेस पर पे हमें जा करके मिलते हैं 3,000 रुपये मंथली। बिल्कुल मंथली 3,000 रुपये मिलते हैं। 3,000 रुपये सरकार ने हमें बांधे है कि जो हमारे को इंसेंटिव दिया गया है, अगर वो इंसेंटिव हमारा पूरा होता है, उसमें कुछ पॉइंट है, अगर वो पॉइंट पूरे होते हैं तो 3,000 रुपये मिलेंगे। टारगेट पूरा करने पर एक महीने में 3,000 रुपये मिलेंगे। पर डे अगर उसको बांटा जाए तो 100 रुपये। बिल्कुल। ड्यूटी क्या है आपकी? ड्यूटी हमारी 24 घंटे की हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी का हमारा कोई समय नहीं है। जिस टाइम भी पेशेंट का फोन आ जाए, जिस टाइम भी डिस्पेंसरी से फोन आ जाए, जिस टाइम भी हॉस्पिटल से फोन आ जाए, हमें उसी टाइम वहाँ पे हाजिर होना है। आप लोगों का ESI कार्ड बनता है क्या? हमारा कोई ESI कार्ड नहीं। मेडिकल फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। कोई मेडिकल सुविधा नहीं? कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। अगर हमें अपने परिवार के लिए एक पैरासिटामोल की गोली भी लेनी पड़ती है तो वो भी डॉक्टर द्वारा एक पर्ची बनवा करके, जिस तरीके से एक मरीज जाता है वो लाइन में लग करके पर्ची बनवाता है, उसके बाद डॉक्टर को दिखाता है और दवाई लिखवा करके फिर वो जाता है दवाई लेने के लिए, उसी प्रकार हम सब आशाओं को दवाई मिलती है। अगर तो सरकार की बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, लेकिन आशा वर्कर जो सबको स्वयं स्वास्थ्य रखने के लिए लगी रहती हैं, आज वो बता रहे हैं कि आपके पास मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं। हमारे पास मेडिकल की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। एक मरीज को लेकर के जाते हैं तो उसके लिए तो हम सिर्फ गायनी रूम तक हमारा स्टाफ चलता है, सिर्फ गायनी रूम तक। अगर हमें और किसी डिपार्टमेंट में जाना तो वहाँ भी हमारा स्टाफ नहीं चलता। कहने को कहा जाता कि आशा वर्कर को साथ लेके आओ, हम ये कोट और ये आई कार्ड लेकर के जाते हैं, मगर जब वहाँ पे जाते हैं तब भी वहाँ कह दिया जाता है आप किस लिए आयो, आप बाहर जा करके खड़े हो जाओ। हमें ऐसे बाहर भगा दिया जाता है जैसे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। PF फैसिलिटी है क्या? कुछ भी नहीं है हमारी, कुछ भी नहीं है हमारा, कोई भी सुविधा नहीं है। आपने एक टारगेट बेस की बात की है, अगर वो टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो क्या 3,000 रुपये कंप्लीट नहीं मिलेंगे? अगर जो हमने बताया, अगर हमारा टारगेट पूरा होता है तो हमें 3,000 मिलेंगे, अगर वो टारगेट पूरा नहीं होता है किसी कारणवश तो हमें सिर्फ मात्र 500 रुपये मिलेंगे, मात्र 500 रुपये। आखिरी सवाल, आपको TA के नाम पर कुछ मिलता है, आने जाने के नाम पर यात्रा भत्ता? हमें कुछ भी नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता है हमारे को। कब से आप लोग इस आशा में सेवा दे रही है? मैं 2010 से दे रही हूँ जी सेवा। मेरा नाम राजबाला है और 2010 से इसमें आए हुए हैं। हम शुरू में जब लगे थे 500 रुपये से लगे थे और इस 10 साल 11 साल हो गए हमें लगभग, अब हमारा सिर्फ 3,000 रुपये हुआ है और बाकी हमारी जो काम के ऊपर हमारा पैसा है, जो हम काम करते हैं उसका पैसा मिलता है। अगर वो काम हमारा नहीं मिला, हमारे पॉइंट पूरे नहीं हुए तो वो 3,000 का भी 500 रुपये हो जाता हमारा। बहुत सारी बहनें हैं जिनके नहीं पॉइंट पूरे होते, उनके 2,000 के चेक बनते हैं जी। आपका अटेंडेंस कहाँ लगता, हाजिरी कहाँ लगती है? हमारी हाजिरी नहीं लगती है सर, हमें एक 400 घर का एरिया दिया गया है जहाँ पर हम रहते हैं। उस 400 घर के एरिए में जो घर होते हैं, जो पॉपुलेशन हमारी 2,000 की होती है, चाहे बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बड़ा है, चाहे कोई गर्भवती है, उनकी पूरे परिवार की देखभाल हमने करनी पड़ती है। 400 परिवारों की देखभाल हम करते हैं, चाहे उनको टीका लगवाना है, चाहे हमें उनका ANC का या गर्भवती का कार्ड बनवाना है, या बुजुर्ग हो गया उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, या किसी का भी कुछ भी हो जाता है, वो मेडिकल की जो सुविधाएँ होती हैं वो हमने उनको देनी पड़ती है। आपने कहा कि आपकी ड्यूटी हाजिरी कहीं नहीं लगती, नहीं लगती है, कौन लगाते हैं? हमारी ड्यूटी डिस्पेंसरी लेवल पे होती है, डिस्पेंसरी में हमारी ट्रेनिंग होती है और एक हमारी रिव्यू मीटिंग होती है हर महीने, उसमें हमें सिखाया जाता है कैसे काम करना होता है, और वही हमारी ड्यूटी लगा लो चाहे हाजिरी लगा लो वहीं लगती है। ये जो समस्याएं हैं कब से आपके साथ है और कितनी बार आप इस तरह का प्रोटेस्ट कर चुके हैं सरकार के लिए? हम ये प्रोटेस्ट जो हमारा तीसरी बार है और जब से हम लगे हैं यही हमारी समस्याएं हैं। जब हमें शुरू में भर्ती किया गया था इसके तहत सिर्फ यही कहा गया था कि आपने अपनी मर्जी से काम करना है, ऐसे ही जो है बच्चों को टीका लगवाने हैं, गर्भवती महिलाओं को, लेकिन उसके बाद काम इतना बढ़ता गया,
चाहे सरकार का कोई भी प्रोग्राम आ जाता है, हम पोलियो का भी हम करते हैं। एक बड़ा सवाल है कि आशा वर्करों का पूरी दिल्ली का कोई यूनियन है क्या? ये आशा यूनियन ही तो है दिल्ली। दिल्ली की यूनियन है ये जो आप इसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं? हाँ, दिल्ली पूरी दिल्ली की आशा इसमें शामिल है। ये हर जगह जगह से दो दो तीन तीन आशा हमने बुलाई है। आपके पास ये आइडिया है कि पूरी दिल्ली में आशा वर्कर हैं कितनी? 6,300 के लगभग आशाएं पूरी दिल्ली में है। आप लोगों को कभी बताया गया न्यूनतम दिहाड़ी कोर्ट ने तय कर रखी है, न्यूनतम दिहाड़ी भी अगर नहीं मिलता है तो सरकार अपराध कर रही है? बिल्कुल। और आप लोग उसमें सहयोगी बन रहे हैं? क्या करें सर, हमारी मजबूरी है। हमें इतनी मुश्किल से घरों से, इतना प्रेशर हमारे ऊपर काम पे का डाला जाता है, हमें घर से निकलने में भी टाइम लगता है। अब जैसे हम आए, हम हड़ताल करेंगे, धरना देंगे, हमने लेटर वगैरह दिए हैं। कई डिस्पेंसरियों की तरफ से भी हमारी बहनों के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि तुम क्यों जा रहे हो हड़ताल पे, तुम्हारे पैसे काट लिए जाएंगे। जैसे हम यहाँ आज बैठे हैं तो ये इस महीने का हमें सैलरी नहीं मिलेगा, हमें कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। ये हमारे ऊपर से एक दिन अब्सेंट, पैसा सब खत्म। एक दिन हम काम नहीं करेंगे ना तो वो पैसा खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने कह दिया कि हम धरने पर जा रहे हैं, अपनी मांगे मान रहे हैं, मांगे आशा में काम कर रही हैं। सर मेरा नाम सविता है, मैं केवल पार्क डिस्पेंसरी से हूँ। मैं 2016 से आशा वर्कर में काम कर रही हूँ। जब हमें रखा गया था तब तो ये मांगे कुछ नहीं थी, अब तो बढ़ती जा रही है। काम भी बढ़ा दिया गया है, हमारे भी बच्चे होते हैं घर में, काम होता है इसका, हम पूरा टाइम बच्चों को भी नहीं दे पाते ना, हम अपने पति को। लगता है घर में इस काम के कारण कभी पति पत्नी में या बच्चों में कुछ तू मैं बहुत होती है सर, हर घर में होती होगी मेरे हिसाब से, तो मेरे में तो होती है 100%। बच्चों को छोड़ के जाती हूँ, कोई संभालने वाला नहीं होता, और ऊपर से टाइम भी फिक्स नहीं है, कभी रात में भी जाना पड़ता है। मेरा एक 10 साल का बेटा है, वो इसे संभालता है। बताओ, कभी आपको ये नहीं लगा कि 3,000 रुपये के लिए हम, मैंने इस तरह का जो हम 24 घंटे कॉल पर जाने की मजबूरी, क्या उम्मीद क्या थी कि मतलब परमानेंट हो जाएगा, या कुछ बड़ी उम्मीद लेकर जुड़े हुए थे क्या? सर उम्मीद लेके तो जुड़े हुए थे, रोज की दिहाड़ी भी आज 550-600 रुपये से किसी की कम नहीं है, और हम फ्री की आशा वर्कर काम कर रही हैं। पर डे 33 रुपये हमें मिलते हैं। कोरोना टाइम से ये 1,000 रुपये मिल रहे थे, ये भी बीच में काट दिए गए थे, या फिर से मिलने चालू है। 3,000। सवाल आप सभी लोगों से, कोरोना वॉरियर्स के नाम पर बहुत ज्यादा हंगामा किया गया, आप लोगों को वॉरियर में शामिल रखा गया था? अब वॉरियर में शामिल नहीं रखा, लेकिन काम कोरोना का जो काम था ना, वो सारा हमने किया था। कोरोना का काम हमने किया है, मरीजों के घर तक दवाई पहुंचाना, उनको पोस्टर लगाना, उनको क्वारंटाइन करना, रेड जोन बनाना, उनको समझाना, सारा काम हमने करके दिया। लेकिन सर जब हमें नौकरी पे रखा गया था तब हमसे ये नहीं कहा गया था कि 24 घंटे हमारी ड्यूटियां, सिर्फ हमें बोला गया था आपको प्रेग्नेंट लेडीज की देखभाल करनी है, बच्चों का टीकाकरण कराना है, सिर्फ इस काम को कह के रखा गया था। लेकिन अब सरकार के काम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पैसा हमारा कोई नहीं है, 24 घंटे हमसे काम कराया जाता है। 3,000 में किसका घर चलता होगा सर? नहीं करते हो, सरकार को तो दिखना चाहिए ना। कोरोना का, फैमिली प्लानिंग का, जच्चा बच्चा का, बच्चों को कीड़े की अलबंडाजोल बांटने का, आयरन फोलिक एसिड बांटने का, पोलियो का, सर ऐसा काम कोई नहीं है जो आशा वर्कर ना करती हो। लेकिन जब हमें रखा था तब बोला था कोई काम नहीं है, सिर्फ प्रेगनेंट लेडी को हॉस्पिटल तक, डिस्पेंसरी तक लाना है, बच्चे को टीका लगाना है और अपने घर रहना है। तो आप लोगों को अब लग रहा है कि हम लोगों को सब मिलकर, पूरी आशा को इकट्ठे होकर अधिकार की बात करनी चाहिए? बिल्कुल सर, इसीलिए तो सर हमने ये हड़ताल करी है कि सरकार तक हमारी बात। कुछ महिला संगठनों का अलग से कहीं से आप लोगों को कोई समर्थन नहीं?